डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस विच तुहाडा स्वागत है। असी अपने पिछले वीडियो विच सोशल ग्रुप्स द मीनिंग डेफिनेशंस अते इस दियां विशेषतावां डिस्कस कीतियां। इस तो इलावा असी सोशल ग्रुप्स की क्लासीफिकेशन भी डिस्कस की। अज असी अपने इस वीडियो विच इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स डिस्कस करन जा रहे हैं। चार्लस हार्टन कूले ने सोशल ग्रुप्स नू दो भागों विच डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। कूले ने 1909 विच सब तो पहला प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया। उसने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इस कंसैप्ट का वर्णन किया। सी एच कूले ने प्राइमरी ग्रुप्स नू मानव प्रकृति जां सुभा दी नर्सरी किया है, द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। कूले ने प्राइमरी ग्रुप्स नू पशु विरतियां दा मानवीकरण करन वाला एक शक्तिशाली एजेंट भी दस्या है। प्राइमरी ग्रुप्स नू पंजाबी जां हिंदी विच मुढ़ला समूह जां प्राथमिक समूह भी किया जांदा है। यह ग्रुप सारे समाजिक संगठना सोशल ऑर्गेनाइजेशन दा केंद्र है। यह एक छोटा समूह हुंदा है जिस दे मैंबरां दी संख्या घट हुंदी है ते उन्हां विच आमणो सामने दे रिलेशन्स पाए जांदे हन, भाव जिस दे मैंबर एक दूजे दे संपर्क विच प्रतक तौर ते डायरैक्ट आउंदे हन। इस तरह दे संपर्क विच आउण वाले ग्रुप्स फैमिली प्ले ग्रुप अते नेबरहुड आदि हन। कूले ने प्राइमरी ग्रुप्स नूं प्राइमरी इसलिए किया क्योंकि महत्व अते प्रभाव की दृष्टि तो यह व्यक्ति दे जीवन विच मुढ़ले हुंदे हन। इन्हां विच परस्पर सहयोग अते संबंध पाया जा है। डेफिनेशंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। कूले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन दे पेज नंबर 23 उपर इसकी डेफिनेशन इस तरह दिती है। अकॉर्डिंग टू चार्लस हार्टन कूले, प्राथमिक समूह तो मेरा भाव अजिहे समूहां तो है जिन्हां विच आमणो सामने दे गुड़े संबंध ते सहयोग पाया जाता है। वह अनेक अर्थां विच मुढ़ले हन, परंतु मुख तौर पर इस गल विच कि वह व्यक्ति दे समाजिक सुभा अते आदर्शां दा निर्माण करन विच मौलिक हन। इस विच हमदर्दी ते परस्पर पछाण दी भावना लुप्त हुंदी है अते असी इस दा कुदरती प्रगटावा है। बाई प्राइमरी ग्रुप्स आई मीन दोज कैरेक्टराइज्ड बाई इंटीमेट फेस टू फेस एसोसीएशन एंड कोऑपरेशन, दे आर प्राइमरी इन सैवरल सेंसिस बट चीफली इन दैट दे आर फंडामेंटल इन फॉर्मिंग द सोशल नेचर एंड आइडियल्स ऑफ द इंडिविजुअल। इट इनवॉल्व्स द सोर्ट ऑफ सिंपथी एंड म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर विच वी इज द नेचुरल एक्सप्रेशन। सैमुअल कोइंग अपनी बुक सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी दे पेज नंबर 210 उपर इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखते हैं। प्राथमिक समूह साडियां प्यार सुतंत्र न्याय अते एहो जिहियां भावनावां दा सोमा है। न्यायपूर्ण खेड समानता सुतंत्र प्रगटाओ, परंतु समूह की इच्छा प्रति वफादारी अते इस लई कुरबानी करनी प्राथमिक समूह दे लक्षण हन। द प्राइमरी ग्रुप इज़ द सोर्स ऑफ आवर नोशन ऑफ लव फ्रीडम जस्टिस एंड द लाइक फेयर प्ले इक्वैलिटी फ्री एक्सप्रैशन बट सबमिशन टू द विल ऑफ द ग्रुप एंड विलिंगनेस टू सैक्रीफाइस फॉर इट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग, प्राइमरी समूह तो भाव दो जां दो तो वध व्यक्तियां तो है जो गूढ़े हिस्सेदार ते सामूहिक तरीके नाल एक दूसरे नाल वर्ताव करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग, प्राइमरी ग्रुप मीन्स टू और मोर परसनस रिकॉर्डिंग इन रिलेशन टू ईच अदर इन अ वे दैट इज़ कोहेसिव इंटीमेट एंड पर्सनल। चार्लस कूले ने प्राइमरी समूहों विचों फैमिली प्ले ग्रुप नेबरहुड परिवार खेड समूह अते गुआंढ इन्हां तिन्नों समूहों नूं सर्वव्यापक किया है अते समाज विच हर समय अते इस दे हर खेतर नाल इह संबंधित हुंदे हन। व्यक्ति जन्म तो बाद सब तो पहला इन्हां समूहों विच ही शामिल हुंदा है। मनुख दा बच्चा
जन्म तो बाद अपने आप ज्यौंदा नहीं रह सकता क्योंकि वह अपन जरूरत पूरिया नहीं कर सकता। उसके पालन पोषण के लिए परिवार की जरूरत होंगी है। पहला समूह जिस विच व्यक्ति अपने आप नू शामिल करता है वह परिवार है। परिवार ही बच्चे का समाजीकरण सोशलाइजेशन करता है। बच्चा समाज विच रहन दे तौर तरीके परिवार तो ही सीखता है, भाव के मुढ़ली सिक्ख्या की प्राप्ति उसनू परिवार विच रह के ही हुंदी है। व्यक्ति अपने संस्कृति कल्चर रीति रिवाज परंपरावां ट्रेडिशंस आदि नू भी परिवार विच रह के ही प्राप्त करता है। परिवार दे विच फैमिली दे विच व्यक्ति दे संबंध आमो सामने दे हुंदे हन अते इन्हां दे विच सहयोग पाया जांदा है। परिवार तो बाद वह अपने आंढ गुआंढ दे नाल संबंधित हो जांदा है क्योंकि घर तो बाहर निकल के वह उन्हां दे संपर्क विच आंदा है। इस दे नाल उन्हां दे नाल मेलजोल वधदा है, सहयोग की भावना वधदी है अते वह वड्डियां दा आदर करना सीखता है। किसी दे नाल किवें गल करनी है इस बारे बच्चे नूं पता लगता है। आंढ गुआंढ दे संपर्क विच आउण तो बाद ओह खेड समूह प्ले ग्रुप दे विच शामिल हुंदा है जिथे ओह अपने बराबर दे साथियां दे नाल हम उम्र दे बच्चियां दे नाल रह के खेडना सीखता है अते इस दे नाल नाल उसका सोशलाइजेशन भी हुंदा है। वख-वख खेडां खेडदे होए बच्चे दूसरियां नाल सहयोग करना भी सीख लैंदे हन अते रूल्स रेगुलेशनस की पालना करनी भी सीख लैंदे हन। इस दे नाल ही ओह डिसिप्लिन विच रहन लगदे हन। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਮੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।